we are at the Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. And coming up, why is volleyball final? UP is going to play Delhi. और अब शुरुआत हो चुकी है वॉलीबॉल बॉयज के फाइनल की. वो साधुगिरी संतगिरी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ अग्रेशन देखने को मिलेगा. करारे स्पाइक्स देखने को मिलेंगे, ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे, स्ट्रेटजीज देखने को मिलेंगी. दिल्ली ने पहला पॉइंट हासिल किया है 1-0. आपको पॉइंट मिलते रहेंगे तो आपको सर्विस मिलती रहेगी. ओह क्या कमाल का स्पाइक, जबरदस्त दिल्ली की वापसी. ये सेट फिलहाल तो एक तरफा दिल्ली के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है. नीति, इतनी लीड गर्ल्स के फाइनल के पहले सेट में नहीं बनी थी. सिर्फ दो ही पॉइंट की लीड बाकी है अब दिल्ली के पास. बहुत अच्छा डबल ब्लॉक, लेकिन चेकआउट हो गया है. ब्लॉक पे टच हुई और बॉल जो है साइडलाइन से बाहर हो गई है. अब एडवांटेज यूपी के पास है. यूपी ने अगर यहां सीधा पॉइंट लिया तो सेट उनके नाम आ जाएगा, लेकिन दिल्ली वाले इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे. एडवांटेज गोज बैक टू दिल्ली 26-25. फिर से ये है कॉम्बिनेशन अटैक, ये है वेव अटैक, और इसी के बलबूते लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है दिल्ली टीम. एक एक अंडरस्टैंडिंग है अटैक में, सेटर के बीच का और अटैकर का बीच का जो कम्युनिकेशन होता है ना सुनील, वो काबिले तारीफ है इस समय दिल्ली का. सपोर्ट दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा है यहाँ पर. सर्विस उनके कैप्टन विपुल की. कॉम्बिनेशन अटैक यूपी में भी देखने को मिल रहे हैं. क्या स्पाइक आएगी? नहीं, एक इजी क्रॉस, सिंपल सा प्लेसमेंट था. धमाका नहीं, अभी धमाका होने में टाइम है. और नेट टच का फाउल, पॉइंट दिल्ली को, सेट दिल्ली को. लंबी जद्दोजहद के बाद, लंबी लड़ाई के बाद, इनफैक्ट जैसे गर्ल्स के फाइनल के पहले सेट में हुआ था वैसा ही बॉयज में भी हुआ. पहला सेट काफी लंबा चला और यहां देखिए यूपी के जोन नंबर टू में, इनफैक्ट जर्सी नंबर टू भी थे लवी चौधरी, उनकी चिन टच हुई नेट को और एक तरह से सरेंडर कर दिया ये आखिरी पॉइंट यूपी ने दिल्ली को. देखते हैं यूपी क्या स्कोर लाइन में परिवर्तन कर पाएगा. परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स में है. मुनीश जॉली का अब कमेंट्री बॉक्स में फिर से स्वागत है. मैं हूं सुनील. दिल्ली के यूनिवर्सल अटैकर सचिन कुमार सर्विस पर थे. ये सेट पॉइंट है और सेट गोज टू दिल्ली 25-15 से. उन्होंने बॉयज वॉलीबॉल का दूसरा सेट अपने नाम किया है और पहले सेट में जो कड़ा संघर्ष हुआ था 27-25 तक बात गई थी, यहां दिल्ली ने डोमिनेट किया है यूपी को. चलिए ये मैच पॉइंट है दिल्ली के लिए. मैच पॉइंट के लिए इंतजार करना पड़ेगा. 13-14 यूपी ने पॉइंट हासिल किया है और दिल्ली में सब्स्टिट्यूट नंबर 8 अंदर जा रहे हैं आशु कुमार. मेन सेटर है टीम के, मेन लिफ्टर है टीम के, वापस अंदर आए हैं. और यहां पर जितना खिलाड़ी अंदर खेल रहे हैं उतना बाहर जो जंग है वो मुकेश और आशीष कुमार के बीच में भी है. अभी भी दिल्ली के लिए मैच पॉइंट. यूपी ने अगर ये पॉइंट मिल गया दिल्ली को, ये पॉइंट मिला, ये सेट मिला, ये मैच मिला और गोल्ड मेडल भी मिलने वाला है. दिल्ली के लड़कों ने यूपी के लड़कों को 5 सेट्स के इस मुकाबले में 3-2 से मात दी है. 27-25, 25-15, 25-22, 25-18 और फाइनली 15-13 से दिल्ली ने बॉयज वॉलीबॉल का फाइनल अपने नाम कर लिया है. यह है अजवंत सिंह, इनके सेंटर से 9 खिलाड़ी इस टीम में थे, इनके सेंटर पर ट्रेनिंग करते हैं और अजवंत सिंह टीम के मैनेजर, टीम के कोच आशीष कुमार. शानदार जीत दर्ज की है दिल्ली ने. 8 सेट तक ये मुकाबला चला तो आप समझ जाइए इस मुकाबले में एक्शन की कोई भी कमी नहीं थी, कोई शक ही नहीं. मैं, नीति और मुनीश जॉली लगातार इस मैच के साक्षी थे और हम भी अपनी सीट पर तकरीबन खड़े ही हो गए थे इस मुकाबले के अंत में.
बढ़िया पहला पॉइंट। वन लव मालविका बंसोड बहुत रिलैक्स्ड वे में उन्होंने शुरुआत की है। इन कॉल किया गया लेकिन उससे पहले रैली में एक मौका था जो साइड गैलरी में शटल जा रही थी, वी सरुमति ने जज नहीं किया ठीक से। एक अच्छी शुरुआत मालविका के लिए 3-0। बढ़िया स्मैश। सर्विस ओवर 1-3। थोड़ा समय लगेगा वी सरुमति को थोड़ा सेटल होने में फर्स्ट सीट के खिलाफ। यू नीड टू कैच योर नर्व्स। 18-8। देखते हैं कितनी जल्दी ये सेट खत्म करती हैं मालविका। ओह, इस बार वही थोड़ा सा जजमेंट में एरर, ड्रॉप करना चाहती थी, इरादे बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी भी 2 पॉइंट्स की लीड है। अच्छा क्रॉस कोर्ट शिफ्ट था वहां लेफ्ट कॉर्नर में और उसके बाद एकदम से राइट कॉर्नर पर निशाना बनाया। अपनी क्लास दिखा रही है मालविका बंसोड पहले ही गेम में। फिर से वही गलती, जब आप नेट के पास खेलना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं, तो उसकी उसमें जो जजमेंट है एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। अच्छा जजमेंट मालविका का, 20 गेम पॉइंट पर ले गई हैं अपने आप को, इस बार अंदर है। ओह, मुझे लगा कि अंदर था, बट देन द फर्स्ट गेम गोइंग टू द फर्स्ट सीड मालविका बंसोड एंड वी स्टार्ट द गेम 2 विद मालविका सर्विंग। वेवर्ड शॉट देयर बाय सरुमति, स्टिल अंडर प्रेशर सुनील सरुमति। इट्स ऑलवेज नॉट इजी टू फेस द फर्स्ट सीड, द वेरी फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ अ बिग टूर्नामेंट। इट्स ऑब्वियस मनीष, जब आप किसी चैंपियन के साथ हो या सामने हो तो प्रेशर रहता है। 8 की लीड मालविका के पास। बढ़िया फिनिश वहां, जिस एंड पे अभी सुनील मालविका है वहां से ड्रिफ्ट आ रहा है लेकिन बहुत हल्का सा है, वो भी एक एडवांटेज होगा उनके लिए। एंड दैट्स इट मुनीश, 21-10, 21-7। मालविका बंसोड ने अपनी ओपोनेंट सरुमति को सीधे सेट्स में हरा दिया है, स्ट्रेट सेट्स में, 2 2-0 से उन्होंने हराया है। और स्ट्रेट सेट विक्ट्री 21-10, 21-7, मालविका एडवांसेस टू द नेक्स्ट राउंड। मणिपुर के लिए सिर्फ 3रा गोल्ड मेडल है, वेल डन। इससे पहले इनको इनफैक्ट एक रेसलिंग में भी गोल्ड मेडल मिला था, 44 kg में कौन से उर्मिला देवी ने गोल्ड लिया है, जिस समय बास्केट वॉलीबॉल के मुकाबले चल रहे थे ठीक उसी पैरेलल इनको ये गोल्ड मेडल मिला है। और जहां तक बॉयज का सवाल है, 50 kg में उड़ीसा के हक्तराम देस्ती ने ये गोल्ड मेडल लिया है, एंड वेल डन फॉर उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा हमेशा से हॉकी के लिए ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। यहाँ उनको मुझे याद है JLN स्टेडियम में बॉयज हर्डल में उनको गोल्ड मेडल मिला था, यहाँ 50 kg वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल।